ये वीडियो समर्पित है हमारी उन बहनों और बेटियों को जिनके लिए पीरियड्स मुश्किल भरे दिन होते हैं। चेहरा लटक जाता है, मूड स्विंग्स करते हैं, पूरा शरीर में हैवीनेस रहती है और दर्द के मारे तो प्राण निकल रहे होते हैं। साथियों, बिफोर पीरियड्स या ड्यूरिंग पीरियड्स या आफ्टर पीरियड्स जो पेन आ रहा है, ये इंगित कर रहा है इंटरनल गड़बड़ियों को, क्योंकि पीरियड्स में बिल्कुल भी पेन नहीं होना चाहिए। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। यदि आप दर्द सह रही हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। प्रस्तुत वीडियो में चर्चा होगी कि किस प्रकार से आप सरल से तरीके से, यदि आपको बिफोर पीरियड्स या ड्यूरिंग पीरियड्स या आफ्टर पीरियड्स पेन आ रहे हैं, इनसे आप छुटकारा पा सकती हैं और जिसकी वजह से ये पेन आ रहा था उस तकलीफ में भी आपको आराम मिलेगा। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या है उपचार। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर डॉक्टर ऋचा वार्ष्णेय, संभव नेचरक्योर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, यदि किसी को भी बिफोर पीरियड से यदि पेन आ रहे हैं तो इसका मतलब है ओवरीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कोई सिस्ट हो सकती है, कोई इन्फ्लामेशन हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कि कुछ ना कुछ ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम। वहीं यदि किसी को ड्यूरिंग पीरियड्स पेन आ रहे हैं तो इसका कारण है यूट्रस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यूट्रस की वॉल थिक हो सकती है, फाइब्रॉइड हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। इसके अलावा जब आफ्टर पीरियड्स यानी कि पीरियड्स पूरे हो गए अब दर्द शुरू हुआ, तो इसका मतलब वीकनेस डेफिशिएंसी की वजह से रोगी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। साथियों, क्योंकि इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है हमारा यूट्रस और ओवरीज, तो इन्हीं कॉरेस्पोंडेंस पे जाकर जब हम ट्रीटमेंट देंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आइए निगाह डालते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। हमें ज़रूरत होगी क्लस्टर मैग्नेट की। देखिए, बहुत छोटे छोटा सा है, ये बहुत छोटे से मैग्नेट्स जो पॉइंटेड मैग्नेट्स हैं, देखिए इसमें लगे हुए हैं, एक तरफ से ये इस तरीके का, क्योंकि मैग्नेट है और इसमें सिक्स हमारे पॉइंटेड से स्टार मैग्नेट्स लगे हुए हैं। और हमें ज़रूरत होगी पेपर टेप की। अब इस तरीके से पेपर टेप में क्लस्टर मैग्नेट्स को लगा लेंगे, क्योंकि हमें ज़रूरत होगी तीन क्लस्टर मैग्नेट्स की, है ना। तो इस तरीके से पेपर टेप में आप क्लस्टर मैग्नेट को लगाएं कि एक यूट्रस और दो ओवरीज, ये है इस तरीके से। और आइए अब निगाह डालते हैं कि हमारे हाथों में कॉरेस्पोंडेंस कहाँ पर है यूट्रस का और ओवरीज का। देखिए साथियों, ये इन साइट आएंगे, जो ये एक रेड कलर की डॉट है, ये वाला ये यूट्रस, और ऊपर दोनों साइट्स में ये ओवरीज का कॉरेस्पोंडेंस है। तो ये क्योंकि प्रॉब्लम गोनेट्स से रिलेटेड है, तो हमें इन्हीं गोनेट्स पर ट्रीटमेंट करना होगा। इस प्रकार से आप इन क्लस्टर मैग्नेट्स को, जो ये है यूट्रस और दो ओवरीज, इनके कॉरेस्पोंडेंस में जब आप इस तरीके से लगाएंगे, ये देखिए एक यूट्रस और ऊपर की तरफ दोनों ओवरीज, क्योंकि कॉरेस्पोंडेंस हमारा बाइलेटरल है, यानी कि दोनों ही हाथों में हमारे यूट्रस और ओवरीज का कॉरेस्पोंडेंस है। तो जल्दी से फास्ट रिजल्ट्स के लिए आप दोनों ही हाथों में इस प्रकार से क्लस्टर मैग्नेट को आप लगा सकते हैं। दोनों ही हाथों में लगाकर रखिए, सोते सोते भी आप इस ट्रीटमेंट को कर सकती हैं, कि आप 4 से 6 घंटा हर कोई सोता है, तो आप सोते सोते भी जब आप रात में लगाकर रखेंगी तो ऑटोमेटिकली जहाँ पर भी इन्फेक्शन था, इन्फ्लामेशन था, ओवरीज में सिस्ट थी, यूट्रस में फाइब्रॉइड था, जिसकी वजह से जिसका मैनिफेस्टेशन आपको दर्द के रूप में हो रहा था, तो दर्द तो आपका ठीक होगा ही होगा, साथ में ओवरीज में कोई दिक्कत है वो ठीक होगी, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। तो इस प्रकार से साथियों, इस उपचार को आपको ज़रूर करना है। तो बेहतर है कि आप पीरियड शुरू होने से
एक हफ्ता पहले भी इस पॉइंट्स को स्टार्ट कर सकते हैं, इस ट्रीटमेंट को। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप ज़रूर इस उपाय को करें। जब आप सुबह उठेंगी तो पेपर टेप को फेंक दीजिएगा और पेपर टेप में से इन मैग्नेट्स को निकाल दीजिएगा। ये मैग्नेट्स आपस में जुड़कर एक दूसरे को चार्ज कर देते हैं। ये फिर से तैयार हैं आपके ट्रीटमेंट के लिए। ये मैग्नेट्स कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। साथियों, यदि आपको भी मैग्नेट्स की आवश्यकता है तो देखिए नीचे एक वेबसाइट की लिंक है, यहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल हैं, यहाँ से आप मंगा सकती हैं। आपका भी मन है इस चिकित्सा पद्धति को सीखने का तो ये बहुत ही सरल चिकित्सा पद्धति है, इसे कोई भी सीख सकता है। और बड़े मज़े की बात, ना कहीं आना ना जाना, आप घर पर रहकर ही एक्यूपेशन थेरेपी आराम से सीख सकती हैं। देखिए, निगाह डालिए, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हमने डिज़ाइन ही किए हैं कि हम घर बैठे आपको ये सारी चीज़ें सिखा दें। एनरोल होना बहुत ईजी है, आप जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगी, कोर्सेज में जाएंगी, जिस कोर्स में आपको एनरोल होना हो आप डायरेक्टली उस कोर्स में एडमिशन ले सकती हैं। साइंस साइड का होना कोई ज़रूरी नहीं है। आप भी यदि ग्रसित हैं किसी परेशानी से और उपचार चाहते हैं एक्यूपेशन थेरेपी से, तब भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपके टॉपिक पर भी वीडियो बन जाएगी। जनहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि आपकी वजह से बहुत लोगों की हेल्प हो सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।